गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आज टॉपिक है तीन अक्षर वाले शब्द। क्या है? तीन अक्षर वाले शब्द। पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पहले बताया था मैंने वर्णमाला। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, उसके बाद जो है के बाद मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में बताया था कि दो अक्षर वाले शब्द के बारे में बताया कि दो अक्षर वाले कौन कौन से शब्द थे। तो उसमें कौन कौन से थे? चले, नल, हल, हल, बस, जल, धन। ओके बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अक्षर वाले शब्द। तो तीन अक्षर वाले शब्द कौन कौन से होते हैं जो हम इसमें आज समझेंगे कि कौन कौन से तीन अक्षर वाले शब्द होते हैं। पहले है बटन, ब, इसमें तीन अक्षर वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसमें हम पहले हम देखेंगे इनको कि तीन अक्षर वाले शब्द। पहला है बटन, ब, ट, न, बटन। क्या है? बटन। बटन वो बटन कैसे बनती है? ये इस तरह बटन को बनाते हैं, इसमें ये बटन, बटन बटन, ये बटन का नाम है। इसके बाद है क, ल और श। क, ल, श। क्या है? कलर। क्या है? कलर। क्या है? क, ल, श, कलश। फिर भ, व, न, भवन। भवन। इसके बाद क्या है? ना, या, न, ना, या, न, नयन। ना, या, न, नयन। फिर इसमें
मा टर मटर इस बार ना मा क नमक बा ट ख बतख फिर श दो शहद भगत भगत चरण च र और र चरण हा व न हाँ रा बा र रावण रावण मटर मटर को इसमें पहले बटन फिर कलर अब इसमें क्या करेंगे इसमें देखो हम देखेंगे इसमें ये क्या हुआ इसमें चित्र दिया हुआ है क्या दिया है चित्र इसमें दिए हुए हैं इस चित्र में क्या दिया गया है देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है बटन क्या दिया गया है ब ट न बटन ब ट न बटन क ल स कलश इसके बाद इसमें बटन कलश भगवान है भगवान शार न न मक नमक ब तक बतक क्या है ब त और ख बतक न य न नयन श ह दो शहद फिर भ ग त भगत च र ण चरण ह व न हवन र ब ळ रवण फिर ख न ल खरल इसके बाद क्या है इसमें रा अब आप लोगों को इसको पढ़ना है और इसको लिखना है कैसे लिखना है पढ़ना है पहले फिर क्या करना है
लिखना है इसको, जैसे पढ़िए और समझिए, इसको क्या करना है, पढ़ना और समझना है। इसमें क्या है, मा टर मटर, क्या करना है, मटर में मटर को यहाँ पर हम मिलाकर लिखेंगे मटर, मा टर मटर, र ब रबर, च न य न नयन, आ व न हवन, निकलने वाली ध्वनि का पहचान करेंगे। उसमें क्या क्या है, तो हम लोग उसमें चित्रों को पहले समान होने वाले देखेंगे कि समान होने वाले कैसे हैं, जो हम लास्ट में जिसके अंतिम में क्या आ रहे, शब्दों के अंतिम अक्षर से निकलने वाली ध्वनि, शब्दों के अंतिम अक्षर से निकलने वाली ध्वनि, वाली ध्वनि की पहचान, ध्वनि की पहचान, शब्दों के अंतिम शब्द से के निकलने वाली ध्वनि की क्या क्या होती है, क्या पहचान, उसकी क्या पहचान है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है ग र म, गरम, कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें लिखना है ग र म गरम, न र म नरम, क श म सशम, क ल म गलम, ठीक है, ज नम। तो इसमें लास्ट क्या हुआ, इसमें लास्ट क्या है, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चीज आएगी, लास्ट अंतिम परिवारे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे ग रम गरम, न रम गरम, फिर क श म कशम, क ल म कलम, ज न म गलम, लास्ट में क्या आया, म, क्या आया, ये माया। इसके बाद है भरत रजत गलत भरत भगत, तो इसमें अंत क्या है, इसमें अंतिम, इसमें अंतिम जो है अंतिम अक्षर ता, भरत भरत रजत रजत, ग लत गलत, ब रत भरत और भ रत भगत, तो क्या लिखने आएगा लास्ट में, ता ता, क्या आएगा ता, फिर है प
पलट 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 का पलट उलट 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 फिर झपट फिर झपट। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा डा बस लेट का पलट उलट फिर झपट और झपट। तो क्या है इसमें डा, आंसर क्या है डा। जटर जटर पकड़ अगर रबड़ लास्ट में रबड़। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन है रा, क्या होगा रा, इसके बाद चरण हरण हरण के बाद हरण चरण के बाद हरण के बाद कर्ण। तो अंतिम अक्षर इसमें क्या है राम, क्या होगा राम, क्या होगा अंतिम अक्षर राम। ग राम गरम न राम नरम क श्याम म कर्म क राम कलम ज राम जनम तो मा है इसमें अंतिम। ये भरत रजत गलत परत भगत तो क्या होगा ताल। इसके बाद पलट पलट कपट उलट झपट रपट तो क्या है इसमें ताल होगा, क्या होगा ट। फिर जगड़ पकड़ अकड़ जगड़ रबड़ तो प्रायर में चरण हरण शरण मकरण करण तो क्या होगा रावला। अब हम इसके बाद देखेंगे कि चित्रों को पहचान कर शब्द पूरे करने में कैसे हम उसको शब्दों को पूरा करेंगे। जो चित्र में चित्र में जो शब्द बने हुए हैं तो उन शब्दों को हम कैसे पूरा करते हैं हमको उनको उसको हमें देखना है कि कैसे हम उन शब्दों को पूरा कर सकते हैं। जैसे चित्रों को पहचान कर शब्द पूरे कीजिए, पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। शब्द पूरे करने हैं उनको हमें देखना है। क्या क्या हुआ इसमें बर्तन और फिर इसके नीचे नाम सड़क इस रबर वर्ण क्या हुआ भवन भवन का ला श कलश ना या अना नयन शा था दु
शरद मा ट और र मटर न मा क च च र रम चरण व तथ क्या होगा बतक इसका और अंत में म कलम। देखिए बच्चों इसमें जो चित्र है इस चित्रों में जैसे सबसे पहले क्या चित्र का चित्र है ये बना हुआ है ये बना हुआ है बटन का चित्र किस चीज का तो व ट न बटन ये है किस चीज का चित्र बना रही है ये पिक्चर जो है किसकी बनी हुई है सड़क किसकी बनी है सड़क 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 ये रबड़ से बना है ये रबर से क्या बनी रबर बनी हुई है शरद इसमें भाव ये कौन किसकी पिक्चर बनी हुई है भवन की किसकी बनी है भवन 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 क ल श करक्ष न न य न नयन म ट र मटर ना ये क्या है किस चीज की पिक्चर है ये नमक न म क नमक च ये क्या है चरण च र रम चरण व ट ख बटन इसके बाद क ला अम्मा कलम बटन सड़क रबर शहर भवन कलश नायन मटर नमक चरण बटन व तख इस कलम कलम। तो बच्चों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है अगले टॉपिक में आप लोगों से फिर मिलेंगे थैंक यू बच्चों।